चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी इस साल बजट रेंज से लेकर मिड रेंज के कई स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर सकती है। आज मैं आपको शाओमी के 2019 में 10 जनवरी को लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है रेडमी का प्रो 2। कंपनी ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीवो पर कुछ फोटो शेयर की थी रेडमी प्रो 2 की। तो इन्फॉर्मेशन दी थी मीडिया रिपोर्ट की अकॉर्डिंग रेडमी प्रो 2 स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है। जो फोटो शेयर की गई थी उनमें किसी में भी फोन के कैमरे का जिक्र नहीं है, बट शाओमी के प्रेजिडेंट लिन बिन ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरे वाले स्मार्टफोन की थी। तो यानी कि ये रेडमी प्रो 2 में तीन रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तीनों कैमरे को मिलाकर 48 मेगापिक्सल बनता है। ये सब कैमरा कैसे कैसे फीचर के साथ आएंगे तो ये 10 जनवरी में होने वाले लॉन्च इवेंट में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है रेडमी 7 सीरीज और शाओमी के इस साल रेडमी 7 सीरीज का बजट स्मार्टफोन रेडमी 7A, 7 और रेडमी 7 प्रो को लॉन्च कर सकती है। इन तीनों ही स्मार्टफोन को एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट 3C पर देखा गया है। रेडमी 7 सीरीज के इन तीनों स्मार्टफोन को इसके पिछली सीरीज रेडमी 6 की कीमत में ही लॉन्च किया जा सकता है। रेडमी 7 सीरीज में फेस अनलॉक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि इससे पहले रेडमी 6 सीरीज में ये सब आपको नहीं मिलता। नए फोन्स के करंट अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। शाओमी मी सीरीज के अगले स्मार्टफोन शाओमी मी 9 में भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा फिट किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फोन में ट्रिपल गियर कैमरा फिट किया जा सकता है। फोन 6GB से लेकर 10GB रैम वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया जा सकता है। फोन में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट प्रोसेसर के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है जो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन क्विक चार्जिंग 5.0 को भी सपोर्ट कर सकता है। शाओमी अपना पहला एंड्रॉइड गो स्मार्टफोन रेडमी गो जल्द ही लॉन्च कर सकती है। ये एक एंड्रॉइड गो प्रोग्राम आधारित फोन है। इसका मतलब ये फोन लो बजट में ही आ सकता है, यानी कि ये 5000 से कम कीमत में आपको मिलेगा। स्मार्टफोन में 5.99 इंच का डिस्प्ले 720x1440 रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SoC के साथ होगा, जिसमें 1GB रैम के साथ आपको 8GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जिसको आप माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 128GB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें जान फूकने का काम करेगी 28 mAh की बैटरी। शाओमी के सब ब्रांड पोको, जो कि पोको F1 पहले भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रह चुका है 2018 में, अब पोको F2 इस महीने लॉन्च कर सकती है। फ़ोन को फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया जा सकता है। पोको F2 के फीचर की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड पाई 9.0 के अलावा स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट प्रोसेसर और 6GB 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। इन सब फोन्स का डेप्थ रिव्यू आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।